वेलकम टू माय चैनल असंखा। टू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो कमेंट करना आप मत भूलना। पेंटिंग स्टार्ट करने के लिए हमने फ्लावर को कपड़े के ऊपर ट्रेस करना है और वुडन फ्रेम को कपड़े के ऊपर सेट कर देना है सो कपड़ा अच्छी तरह से टाइट हो जाए और आपकी पेंटिंग भी बहुत सुंदर हो पाए। आज मैंने इस पेंटिंग में एक सिंपल सी टेक्निक का यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने फ्लैट ब्रश विथ साइज 0 का यूज़ किया और ब्रश के ऊपर थोड़ा सा पानी ले लिया। पानी को फ्लावर की बाउंड्रीज के अराउंड थोड़ा थोड़ा स्प्रेड करना मैंने स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने ब्रश के ऊपर स्काई ब्लू कलर लिया और जहाँ पर मैंने कपड़े को गीला किया था वहाँ पर कलर को स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। सेकेंड कलर मैंने पर्पल को थोड़ा सा उसमें मिक्स किया है। ये एक बहुत सिंपल सी टेक्निक है बट आपकी पेंटिंग को बहुत सुंदर बना देती है। अभी हम कपड़े को थोड़ा सा सूखने देंगे। अगर अभी हमने नेक्स्ट कलर्स का यूज़ किया तो वो कलर्स फैल जाएंगे और हमारी पेंटिंग को ख़राब भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लावर को पेंट करने के लिए मैंने फ्लैट ब्रश विद साइज 0 लिया है और उस पर मैंने येलो और वाइट कलर को मिक्स किया है और इससे हम फ्लावर की पेटल्स को अभी पेंट करेंगे। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग में बिगनर हैं और ऐसी पेंटिंग्स को करना चाहती हैं तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस को देख सकती हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगी। एंड आपको अगर पेंटिंग में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स और जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करें। पर मैंने लीव्स को पेंट किया है 2x2 रेशियो के साथ। जैसे कि सबसे पहले फ्लैट ब्रश पर मैंने सैप ग्रीन कलर लिया है और सैप ग्रीन कलर को लीव के सेंटर और एक साइड की बाउंड्री पर यूज़ किया है और फिर मैंने वाइट कलर को लीव की सेकंड बाउंड्री और एम्प्टी स्पेस में यूज़ किया है और फिर दोनों कलर को एक दूसरे के साथ ब्लेंड किया है और इस तरह से मैंने इस लीव को रेडी किया है। ब्रश को बहुत ज़्यादा स्मूथली वर्क करना है आपने कपड़े के ऊपर। जितना स्मूथली आपका ब्रश चलेगा उतनी ही सुंदर आपकी पेंटिंग दिखाई देगी। इसी सेम टेक्निक को हम बाकी के स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे और अपनी पेंटिंग को कंप्लीट करेंगे। इस पेंटिंग में मैंने लीव्स को एक डिफरेंट सा लुक दिया है। इसमें सिर्फ मैंने ब्रश की टेक्निक को यूज़ किया है। इस टेक्निक से आप लीव्स को बहुत सुंदर भी बना सकते हैं और ये इजी एंड क्विक है। यहाँ पर बिगनर्स के लिए एक टिप है कि लीव्स को पेंट करने के लिए पहले आप उनकी एक डिफरेंट कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर आप उस लीव्स को अपने डिज़ाइन में यूज़ कीजिए। इस वे से आपका डिज़ाइन ख़राब भी नहीं होगा और आपको लीव्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जब हम क्लोजली पेंटिंग को देखते हैं तो कितना सेटिस्फाई व्यू होता है ये। यहाँ पर हमको ब्रश कितनी स्मूथली वर्क करता दिखाई देता है और कलर्स एक दूसरे के साथ कैसे ब्लेंड होते हैं ये भी एक अलग से ही सेटिस्फेक्शन लेवल है। अगर आप भी पेंटिंग करना चाहते हैं बट आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए तो मैंने बहुत सिंपल वे में ट्यूटोरियल्स को फॉर्म किया है जिनकी मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट को सेट किया है अपने चैनल पर। आप उन प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंट ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं जहाँ पे मैंने बेसिक से लेके प्रो तक हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है।
फ्लावर को और सुंदर और उसको डिटेलिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रश को चेंज किया है। अभी मैं राउंड ब्रश विद साइज 0 का यूज़ कर रही हूँ। मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए थी कि आपको मेरी ऐसे लॉन्ग वीडियोस अच्छी लगती हैं या फिर आपको मेरी शॉर्ट वीडियोस। शॉर्ट वीडियोस का वैसे एक एडवांटेज है कि वहाँ पे मैं आपको एक पार्ट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँगी, जिनमें वीडियोस की लेंथ भी छोटी होगी और एक पार्ट को आप और डिटेल से जान पाएंगे। बट लॉन्ग वीडियोस में भी आपको एक ओवरऑल लुक मिल जाएगा, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ों में बहुत कंफ्यूज थी कि शॉर्ट वीडियोस आपके लिए ज़्यादा लेकर आऊँ या लॉन्ग वीडियोस। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी कौन सी वीडियोस ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर दोनों है तो उन दोनों की फिर मैं डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दूँगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।